खुद बताएगी। कुकी क्या हुआ था कल और कैसे काटा था? तो तू चल कैसे रही थी? अच्छा फिर गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग गाइज। और आपको मतलब एक चीज़ बतानी थी, ब्लॉग हमने इस बिहाफ पे स्टार्ट करा है। पहले तो हम कर रहे हैं अपना लंच, देख सकते हैं घी है करवाया और आलू गोभी चटनी भिंडी भिंडी कुकी की थी। मैं आधी से ज़्यादा खा चुका हूँ और अभी बची है मेरी हाफ चपाटी। तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि कल हमारे घर में क्या हुआ। कल हमारी कुकी खुद बताएगी, कुकी क्या हुआ था कल और कैसे काटा था? तो तू चल कैसे रही थी? अच्छा फिर तो कल एक्चुअली हुआ क्या है कि ना ट्यूशन के लिए हमारे घर पर आ रही थी, और ट्यूशन कहीं और जाती है, हमारे पास नहीं पढ़ती, तो ट्यूशन के लिए हमारे घर पे आ रही थी। तो जब दादी इसको लेकर आ रही थी साथ में, तो पता नहीं गाड़ी के नीचे तो कुत्ता बैठा था, पता नहीं क्या बैठा था, और इस पर पता नहीं पंजा मारा या दांत मारा है। तो ये भाई साहब इतना पंजा दांत दोनों लगे हैं, सुन सकते हैं बच्चों की वो क्या लगा है। तो वही इसको ना मतलब बाइट मारी जरा सी, तो भाई ये चिल्ला पड़ी एकदम, बैल बजी। दादी ने बोला कि जल्दी खोलो इसको ना, तेने फाट लिया। चल जल्दी हम इसको लेके गए, इसके पंपा पर लेके गए दीनदयाल में, उसको सीधा इंजेक्शन लगाया ना इंजेक्शन। कितना पेन हुआ था इंजेक्शन लगने में? बहुत ज़्यादा। और अब कब लगना है? तो ना अब कुकी थोड़ा अलर्ट हो चुकी है ना, नीचे वाले डॉगी के साथ नहीं खेलेगी ना, पता चल गया ना काट लेता है, है ना, नीचे जाएगी अब डॉगी काट लेगा नहीं तो। है तो अभी ना थोड़ी बहुत ज़्यादा डर चुकी है, अलर्ट हो चुकी है। नीचे भी एक डॉगी है, उसके साथ खेलती थी, बट अभी नहीं जाएगी खेलने, इसके ताजी ताजी चोट लगी हुई है ना। ओ भाई साहब बड़ा चिल्ला कर रही है ये, अब क्या कर रही है? अब होमवर्क कर रही है, वेरी गुड, करो होमवर्क। तो भाई यही बता रहा था मैं आपको कि यार इसके ना एकदम बाइट मार के और रैबिश के इंजेक्शन जो ना लग रहे हैं, बट दिन में तीन तीन चार लगे हैं इसको, वो भी गैप में, वो भी सिक्स लगे। हाँ सिक्स लगने हैं, बट अभी तीन लगे थे ना कल तीन लगे थे इसको, दो दो घंटे के गैप में, पता नहीं पहले तीन लगे थे फिर बाद में दो और लगे हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, डॉग्स वगैरह हमारे यहाँ ज़्यादा है। चोट पे भी लगा है जहाँ पर डॉगी ने बाइट करा है, जहाँ पर डॉगी ने काटा है ना उसको, वहाँ पे भी लगाई है। और हमारे एरिया में कुत्ते वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा और घुमाना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी को भी काट सकते हैं ना, क्योंकि काट सक काले कुत्ते बहुत हैं हमारे यहाँ। तो मिलते गए आपको थोड़ा अपना खाना वाना फिनिश करने के बाद। दिन हो चुके हैं, मैं अपना डेली बेस के जो काम होते हैं वो करने आ गया हूँ। छत पर पौधों को पानी देने आ चुका हूँ। तो ये हमारी तुलसी यार पूरी सूख चुकी है, मम्मी ने भी नई वाली नीचे लगवाई है, और मुझे भी इसमें से बहुत सारे जो पौधे हैं ना वो शिफ्ट करने हैं। जैसे पीछे जो दिख रहा है एलोवेरा, उसके लिए ना मतलब पूरा वो साइज बन चुका है, मतलब जो नीचे का गमला है ना वो पूरा टूट चुका है प्लास्टिक का, इसलिए तो मुझे इसको किसी बाल्टी में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ता रहता है, मतलब ये ना वैसे ग्रोथ तो होता है बट ये फैलता भी रहता है। और हमारी यार जो ग्लोई की बेल है ना पूरी सूख चुकी है, दिख ही रही होगी, क्योंकि हुआ क्या है कि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मे भी उसकी वजह से हो चुका है। बाकी के पौधे उस साइड हैं वो भी मतलब सूख चुके हैं यार गर्मी के मारे, हमने सोचा थोड़ा छाया वगैरह रहेगी तो ठीक रहेंगे, बट हो नहीं पाया। और अब फाइनल बचा है मतलब पक्षी वगैरह पानी रखने, वो भी रख के चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
लगता पक्षी पानी पी ही नहीं रहे, क्योंकि मैं कल भी ऐसी भर के गया था और अभी तक पानी ना ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो फिर चलते हैं नीचे। मैं छत पर आया था, मैंने एक चीज़ देखी है, ये मंदिर के अंदर ना पता नहीं किसी ने ना मुंडी तोड़ के रख दिया गुड़िया की, और लग भी ड्रावनी सी रही है भाई साहब ये देखना। अरे तोड़ेगा कौन, बच्चा हमारे कोई है नहीं अभी, ऊपर कोई आता नहीं, तो उसकी मुंडी कौन तोड़ के रख देगा, समझ में ही नहीं आ रहा। वो भी मंदिर के अंदर, क्या पता कोई आत्मा महात्मा हो सकती है। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6, ऊपर देख सकते हैं आप अरविंद पापा गए हैं मंदिर आज, क्योंकि आज थर्सडे है तो यू नो मतलब साई बाबा का मंदिर हमारे नियर बाय पड़ता है, तो वहीं मम्मी पापा दोनों गए हुए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। और मैंने यार मतलब अपना रेगुलर बेस पे ना 5 जना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैंने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ था, बट अब मैंने थोड़ा रेगुलर बेस पे स्टार्ट कर दिया। कल से मैं गया था बट आज थोड़ा कंटिन्यू हो नहीं पाया है, तो मे बी कल से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। बट अगर मैंने ज़्यादा बैडमिंटन खेला तो मेरा ये राइट हैंड और ये लेफ्ट वाला जो लैग है ना भाई बहुत पेन कर रहा है, क्योंकि मैंने अपनी बाइक से लीन लगा दी थी एक बार तो आई डोंट नो लगी कैसे, बट सडनली लग गई गलती से, तो यार बहुत पेनफुल है। आज सोच रहा हूँ कि ना उस पर मालिश वालिश करवा कर फिर मैं सोऊंगा, करवा कर क्या खुद ही करनी पड़ेगी मुझे तो ये लग रहा है, तो खुद ही करेंगे मालिश। तो मतलब थोड़ी ना जैसे थाई ड्रेस खोल के ट्राई कर रहा था तो और ज़्यादा ना बढ़ गया, तो मेरे को ऐसे ही ट्राई नहीं करना चाहिए मेरे को तो ये लगता है। बाकी को भी ट्यूशन जाती है और दिन बहुत बोरिंग कट रहे हैं, क्योंकि यार एक तो गर्मी है बाहर जा नहीं पा रहा, दूसरा आई डोंट नो क्यों बोरियत है। बट आप मेरी कटिंग देख सकते हैं कैसी लग रही है आपको मेरी कटिंग, गाइस कमेंट में बताना। लाइक बियर्ड थोड़ी ज़्यादा है, बियर्ड क्लीन करनी पड़ेगी मेरे को आई थिंक। तो भाई यार क्या ही बात करें, उस टॉपिक उठाओ आप ही कमेंट कर दो कुछ अच्छा सा। तो मिलते हैं यार कुछ खाने पीने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो कुछ खा लेता हूँ फिर कुछ बात करते हैं। सो गाइस अभी अपना जस्ट खाना खा कर आया हूँ, एक्चुअली खाने में मैंने बनाया था अपने लिए पास्ता, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ना भूख लग रही थी और मैं अपना एक हाथ से ट्राई कर रहा हूँ अपना लैपी ऑन करने की, बट ये ऑन नहीं हो रहा है। सीरीज फाइनली ये ओपन हो चुका है, और आजकल आई डोंट नो ये हीट क्यों कर रहा है इतना, मैं जबकि कोई चीज़ें कर नहीं रहा, बट हाँ मैं कभी कभार इससे क्रिप्टो को माइन करता हूँ, तो मे बी कर देता हूँ मैं हीट, क्योंकि इसके उस पर प्रोसेसर पर इम्पैक्ट पड़ता है, मे बी इसलिए करता हूँ यार। तो अगर गाइज आप भी क्रिप्टो माइन करना चाहते हैं तो मेरे को DM करें ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कहाँ से क्रिप्टो माइनिंग चाहिए, बट उसके लिए मस्ट है हाई प्रोसेस का लैपटॉप या सिस्टम कुछ भी, बट हाई प्रोसेस तो वही चीज़ है। अगर क्रिप्टो माइन करना है तो आपको हाई प्रोसेस का सिस्टम एक अरेंज करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, अदरवाइज। सो गाइज अपनी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं मैं XMR को माइन कर रहा हूँ यहाँ पर। सो बहुत ज़्यादा मतलब हीट करने लगेगा अभी ये, मे बी मैं अगर आपको इसका चेक कराता हूँ मैं किस उस पर माइन कर रहा हूँ, तो ये रहा मैं आपको ब्राउज़र से चला कर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या वो कर रहा होगा, हीट कर रहा होगा। चल जा भाई, ये क्या चल गया यार, हमें ये चलाना है। थोड़ा स्लो हो जाता है जब माइनिंग स्टार्ट होती है सिस्टम में, तो आप देख ही सकते कितना स्लो वर्क कर रहा है ये, लाइक वेबसाइट खुलने में इसको इतना टाइम लगा रहा है।
तो अभी हम माइन कर रहे हैं ये रहा मोनेरो को। माइनिंग वगैरह का चल रहा है क्रिप्टो, तुम्हें पता है आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा पम्प दिखने वाला है इसमें, तो अभी तो डंप चल रहा है बट आने वाले टाइम में यार बहुत पम्प है। क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी इन्वेस्ट नहीं करता, मैं बस माइनिंग या एयर ड्रॉप क्लेम करता हूँ, क्योंकि पैसा लगाना ठीक भी नहीं और ना मेरे पास है अभी, तो वही सब जब मेरे को टाइम होता मैं इसको करता रहता हूँ माइन। तो मिलते हैं आपको सीधा डिनर के टाइम। तो भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय।